नमस्ते बच्चों, आइए देखें कि गैफी के घर में क्या हो रहा है। जब गैफी के पिता काम पर जा रहे थे तो उन्होंने गैफी से कहा कि वो लौटकर उसकी जोड़ की परीक्षा लेंगे। गैफी ने उत्साह के साथ उन्हें ठीक है कहा। गैफी अपनी परीक्षा के लिए अभ्यास में लग गई। क्या आप जोड़ का अभ्यास करने में गैफी की मदद करेंगे? चलिए शुरू करते हैं। एक थाली में चावल के 50 दाने हैं और दूसरी थाली में चावल के 25 दाने हैं। चावल के कुल कितने दाने हैं? आइए देखें कि पहले क्या करना है। एक में 50 और दूसरे में 25 दाने हैं। आइए चित्र में देखें। चावल के दानों के 5 ढेर हैं। प्रत्येक ढेर में 10 दाने हैं, जिसका अर्थ है कि कुल 50 दाने हैं। और नीचे हमारे पास 2 ढेर हैं। प्रत्येक ढेर में 10 दाने हैं, जिसका अर्थ है कि कुल 20 और 1, 2, 3, 4 और 5 खुले दाने हैं, मतलब कुल 25 दाने हैं। आइए इसे जोड़ के रूप में लिख लें। सबसे पहले हम इकाइयों की संख्या को जोड़ेंगे। 0 में 5 जोड़ हो गए 5, और ये संख्या खुले दानों की संख्या के बराबर है। आइए इसे यहाँ इकाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिख लें। आइए अब दहाई को देखें। 5 में 2 जोड़ हो गए 7, और यहाँ 10 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ढेर हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम 7 को यहाँ दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिख लेंगे। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 75। गैफी ने भी आपकी तरह सही उत्तर चुना है। अगला प्रश्न है, एक थाली में 33 चावल के दाने हैं और दूसरे में 66, कुल कितने दाने हैं? गैफी उत्तर सोचने लगी। उसने इस तरह से जोड़कर सही उत्तर 99 ढूंढ लिया। वाह, ये सही उत्तर है। गैफी अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। गैफी के पिताजी ने आपके लिए भी कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों को हल करें, अपना उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 99 तक बिना हासिल के जोड़ करना सीखा।